मनी प्लांट की बेल को हर घर में लगाया जाता है। माना जाता है कि ये बेल एक शुभ बेल होती है। जिस घर में सुख समृद्धि और पैसों की कमी नहीं होती, उस घर में ये बेल बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। और जिस घर में निर्धनता होती है, सुख समृद्धि का अभाव होता है, उस घर में ये बेल सूख जाती है। मगर हम गार्डनर्स को पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस बेल की किस प्रकार अच्छी ग्रोथ होगी और किस कमी से ये बेल सूख जाती है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। और आप इस अंधविश्वास में ना रहें, यदि आपके पास पैसों की भी कमी है तो भी ये बेल बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेगी। मनी प्लांट की बेल के पत्तों का साइज किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सीक्रेट बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इस बेल को हर मौसम में किस प्रकार हरा भरा और चमकदार बनाए रखा जा सकता है। नर्सरी में जब हम इस बेल को ख़रीदने जाते हैं तो बड़े पत्तों वाली मनी प्लांट का प्राइस कम से कम 100 रुपये होता है और छोटे पत्तों वाली मनी प्लांट हमें 40 से 50 रुपये में मिल जाती है। मगर हम घर पर ही छोटे पत्ते वाली बेल को बड़े पत्तों वाली बेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 साल पहले मनी प्लांट की मैं छोटी सी ब्रांच लेके आया था और उस छोटी सी ब्रांच में केवल 2 या 3 छोटे छोटे पत्ते थे। अब आप देख सकते हैं इस बेल के पत्तों का साइज कितना बड़ा हो गया है। यदि आप भी इस प्रकार मनी प्लांट के पत्तों का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी बताई गई इन टिप्स को फॉलो कर लेना, आपके मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी इतना बड़ा हो जाएगा। मनी प्लांट की बेल के हर पत्ते के नीचे एक लीफ नोड होती है। उस लीफ नोड से रूट्स निकलती हैं। यदि हम उन रूट्स को सहारा दे देते हैं तो इसके पत्तों का साइज इस प्रकार बढ़ जाता है। यही कारण है कि मनी प्लांट को लगाने के लिए मॉस स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लीफ नोड से निकलने वाली रूट्स जो हैं मॉस स्टिक के अंदर घुस जाती हैं और मनी प्लांट के पत्तों का साइज बढ़ जाता है। मैंने मनी प्लांट की बेल को एक दीवार के सहारे लगा रखा है, जिस दीवार में लिपाई नहीं कर रखी है। इनकी लीफ नोड से जो रूट्स निकलती हैं वो इस दीवार के साथ ही चिपक जाती हैं। मैं हर रोज़ इस दीवार को ही गीला कर देता हूं, जिससे इनकी रूट्स को पानी मिल जाता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो मनी प्लांट के पत्तों का साइज बढ़ जाता है। यदि हम मनी प्लांट की बेल को सहारा नहीं देते हैं तो इसके पत्तों के नीचे लीफ नोड से निकलने वाली जड़ जो है वो सूख जाती है और इसके पत्तों का साइज़ नहीं बढ़ पाता है। इसके पत्ते छोटे साइज के रह जाते हैं। अब आप देखिए मेरी मनी प्लांट्स की लीफ नोड की रूट्स जो हैं कितनी फैल गई हैं। ये रूट्स दीवार के साथ चिपक गई हैं और इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। इनकी अच्छी ग्रोथ होने से मनी प्लांट के पत्तों का साइज बढ़ गया है। जब हम मनी प्लांट के लिए मॉस स्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो मॉस स्टिक में हर रोज़ पानी छिड़कना पड़ता है। उसी प्रकार इस दीवार पर भी हर रोज़ पानी डालना पड़ता है ताकि इनकी रूट्स को पानी मिल सके। अब आप देख सकते हैं इसके पत्तों का साइज कितना बढ़ गया है। मैंने इस बेल को दीवार के सहारे रख दिया था और इस बेल से जो रूट्स निकलती हैं उन रूट्स ने अपने आप ही दीवार का सहारा ले लिया है और ये रूट्स जो हैं वो दीवार के साथ चिपक गई हैं। कुछ रूट्स तो दीवार के अंदर घुस गई हैं। आप देख सकते हैं तेज़ हवा और आंधी से भी इस बेल को कोई नुकसान नहीं होता है। इस बेल ने दीवार को मजबूती से पकड़ लिया है। मनी प्लांट की बेल के सूखने के 2 ही कारण होते हैं, या तो जब इसमें ओवर वाटरिंग कर दी जाती है तो ये बेल सूख जाती है, या फिर इसकी प्रॉपर लोकेशन का ध्यान नहीं रखा जाए तो ये बेल सूख जाती है। प्रॉपर लोकेशन से मेरा मतलब ये है कि इस बेल को ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट इस पर गिरती रहे। यदि इस बेल को डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में लगा दिया जाएगा तो ये बेल गर्मियों में सूख जाएगी। जैसे जैसे इसकी लीफ नोड से निकलने वाली रूट्स फैलती जाती हैं, वैसे वैसे इसकी जो स्टेम है, स्टेम की मोटाई बढ़ती जाती है। जितनी अधिक मोटी स्टेम होगी उतने ही बड़े साइज के पत्ते बनते जाएंगे। इस प्रकार आप छोटे पत्ते वाली मनी प्लांट की बेल को बड़े पत्तों में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि इसकी लीफ नोड की रूट्स को आप हर रोज़ पानी दे देते हैं तो इसके पत्तों पर पानी छिड़कने की आवश्यकता नहीं होगी।
यदि आप इस प्रकार अपने मनी प्लांट की केयर करते हैं तो आपके भी मनी प्लांट के पत्ते इस तरह हेल्दी और बड़े साइज के बन जाएंगे। यदि आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मेरी आगे आने वाली सभी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।